व्हाट्स अप गाइस, यार आज की वीडियो में हमारे पास आ गया है डायन गुहोंग, वी फॉर एम, आई थिंक यही नाम है। मैं अभी अभी सोया उठा हूँ, शायद 5 मिनट हुए होंगे और ये मुझे रिसीव हुआ। मैंने साथ इसकी अनबॉक्सिंग शुरू कर दी क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सा नेगेटिव रिस्पॉन्स देख चुका हूँ कि ये क्यूब हमारा टूट गया। देखते हैं मेरे साथ क्या बनता है। सबसे पहले इसको डब्बे से बाहर निकालते हैं। तो ये रहा बॉक्स और हमारा क्यूब और एक्सेसरी बॉक्स। आई थिंक पहले ही देख लेते हैं, वी फॉर एम लिखा गया है इस पर और इसके अंदर एक स्क्रू ड्राइवर जो कि बहुत ही प्यारा है। उसके अलावा एक पूरा पैम्फलेट देखने को मिल जाता है और एक पूरा कवर, और ये कैंस की तरह के ही है ऑलमोस्ट। और अब हम आते हैं अपने मेन क्यूब की तरफ। लाइट वेट है बहुत ज़्यादा और ये जो अंदर रेड कलर है कॉर्नर्स का, फिलहाल टर्निंग बहुत स्मूथ है। मैग्नेट्स ऑलमोस्ट मीडियम से ज़्यादा ही हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं आई थिंक। हाँ, तो अगर फर्स्ट इम्प्रेशंस की बात की जाए तो बहुत लाइट वेट है, बहुत फास्ट है, कह सकते हैं कि कंट्रोलेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है फिलहाल। और फिलहाल तो बहुत अच्छा क्यूब लग रहा है, कोई बुरी चीज़ इसके बारे में नज़र नहीं आ रही। बट जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत सी वीडियोस में सुन चुका हूँ कि ये क्यूब टूटने लग गया हुआ सेंटर कैप के अंदर से, तो मैं भी इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा कि कब मेरा ये क्यूब टूटता है। ये सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इम्प्रेशंस थे। इसका फुल रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी इसका रिव्यू आएगा। तो आई थिंक यहाँ पे करते हैं वीडियो को ख़त्म। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यार ये लोगो चेक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। Twelve fifty-three, 15:42. 12:64. 10:95. 13:02.